ओह माय गॉड, सही है। जब जलेगा लम्बा सलाम मैं लिखूं नाम तेरा, सब डलेगा तम पर दो शाम जिसका। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल अभिहोलिक। सो गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। दिल्ली में हूँ मैं, अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद में निकलेंगे बाहर। सो आगे बताता हूँ, ये गली है दिल्ली की, सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई है और कुछ कच्चे घर है जहाँ पर अंदर पानी गर्म हो रहा है। अभी आया हूँ जो दिल्ली है, दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे आया हूँ और मैं आपको यहाँ पे अंदर टूर करवाऊँगा। एक्चुअली हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया था यहाँ पे स्कूल विजिट करने के लिए कि कैसा यहाँ पे स्कूल्स है, सब कुछ है। तो देखो ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरी नई है और जो मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो में दिखाया ना वो पुरानी बिल्डिंग थी। अभी हम लोग नई बिल्डिंग में जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है मैं, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है भाई, जोरदार। ये देखो खेचू क्या हिलती नहीं है भाई। नहीं तो अपनी तो भाई कैसी थी है नीरज, जब अपन 70s में पढ़ते थे तो बहुत खराब थी। सो अभी आपने क्लासरूम देखा ना, तो अभी मैं आपको कंप्यूटर लैब दिखाता हूँ। माय नेम इज अभिषेक, हाय। आप यहाँ पे सर हो? कंप्यूटर टीचर। अच्छा अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा सर, चैलेंजिंग जॉब है। अच्छा, चैलेंजिंग जॉब है, कैसे? हाँ जी सर, क्योंकि सर देखिए, बीइंग अ टीचर हमारा एक ड्यूटी है कि हमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखाना है। ओके। और तो कंप्यूटर भी सिखाना है, साथ के साथ प्रैक्टिकल्स भी करवाने हैं। तो वो तो सब स्कूलों में होता है। यहाँ पे लाइक ऐसे कैसे चैलेंजिंग जॉब है कि सर जिस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर घर पे उनके जैसे कंप्यूटर्स नहीं है, लेकिन आजकल जैसे स्मार्टफोन जैसे होता है तो थोड़ा बट स्टिल इजी पड़ता होगा ना थोड़ा तो पहले से? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर स्मार्टफोन के कंपैरिजन में डिफरेंट चीज़ है। हाँ, उसमें टच है या टच नहीं है। ओके ओके, तो बच्चों को कंप्यूटर नहीं पता है, माउस पहली बार यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो खो जाते एक बार पहली बार माउस पकड़ सकते हो। सही है ना? हाँ। बोलते इतनी स्पीड में क्यों माउस घूम रहा है ना, ऐसा होता है। और मतलब क्या क्या बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे स्कूल में? सर यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, 6 से 12, और 11 12 क्या है मतलब, कॉमर्स साइंस? सर कॉमर्स भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। आर्ट्स भी है। सर हम से क्वेश्चन कर सकते हैं, स्कूल का फीस कितना है? सर स्कूल का फीस नहीं है, फीस नहीं है स्कूल। मतलब स्कूल फ्री है? हाँ सर, एक गवर्नमेंट स्कूल है। ओके, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी 1000 रुपया 1500 रुपया नहीं कुछ भी फीस नहीं है सर। तो सालाना बच्चे के पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, 1 रुपया भी नहीं भरना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इजीली मिल जाता है एडमिशन? इजीली मिल जाता है सर। कैसे, ऑनलाइन होता है सब कुछ? सर नहीं सर, ऑनलाइन भी है प्रोसेस और फिजिकली जाके भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि सर डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल वो भी होते हैं, हेल्प डेस्क भी होते हैं। ओके ओके, तो मतलब ऐसे तो उसको असिस्टेंस मिलती है। हाँ, लोगों को एंथुजियास्ट कर रहे हैं कि आओ एडमिशन लो यहाँ पे। बिल्कुल सर, एजुकेशन प्रायोरिटी पर है और हर बच्चों को एजुकेशन मिले जो उसका राइट है वो उसको मिले। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट हुआ आया है आपके नज़र में जो बहुत बड़े स्कूल को छोड़ के यहाँ पे आ रहा है? सर काफ़ी बच्चे हैं ऐसे, काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे जो प्राइवेट स्कूल से आए हैं बट वहाँ पर इतना अच्छा, मतलब कि जो भी उनके रीजंस रहे उसके बाद उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया और वो यहाँ पर बहुत सेटिस्फाइड है। सही है, सही है। और ये चीज़ दिखाने जैसी है, लोगों को पता चलेगी तो वहाँ पे चेंजेस आएंगे। ये देखो ये प्रोजेक्टर यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो
ऑनलाइन जो कहते हैं ना बुक्स एक्सेस कर सकते हैं, ई लाइब्रेरी बोलते हैं, तो वो भी है यहाँ पे। ये बुक्स का शेफ बनाया हुआ है यहाँ पे, सब यहाँ पे बच्चों के लिए। फिर ये अलग अलग स्टोरी बुक्स हैं यहाँ पर, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के क्लिनिक्स, ये सब देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो अभी हम लोग शायद मेरे ख्याल से कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने, चांसेस है क्योंकि हम लोग जल्दी हो गए फ्री। तो अगर आगे कहीं जा रहा हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आज रात को हमारी वापस जाने की ट्रेन है, और ट्रेन में ऐसा है कि ट्रेन हमारी रात की 10 बजे की है, और 10 बजे के पहले हम लोग को 8:30 बजे स्टेशन पहुँचना है। स्टेशन पहुँचने के पहले हमारे पास में कुछ 3 या 4 घंटे का टाइम है, तो मे भी शायद पॉसिबिलिटी है कि मैं कहीं जा सकता हूँ। सेकेंडली, हम लोग सीधा सूरत नहीं जा रहे, मैं और मेरा फ्रेंड प्लान कर रहे हैं कि कहीं पे हम लोग जाए। यहाँ से हम जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर जयपुर या फिर अजमेर, क्योंकि हमारी हम जो ट्रेन में आए वो एक स्पेशल ट्रेन है और हम जाने भी वाले वही स्पेशल ट्रेन में। अगर तो अजमेर रुकती है या जयपुर रुकती है इसका हम, अगर हम लोग जयपुर गए या अजमेर गए तो बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं मेरे और नीरल के, दोनों के। क्या बोलता है नीरल? यस कंफर्म। फिर मिलते हैं आप है? चार भाई हैं। मार्केट सरोजनी क्या क्या लेंगे? तो 20 रुपये सवारी। क्या 20 रुपया सवारी? अरे हो यार, 10 रुपये तो जाते हैं। चलो आगे आगे रोड पर। 20 रुपये महंगा है, 10 रुपये में जाएंगे। 10 रुपये हम पैदल जाएंगे हम। बोलो 10 रुपये में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ, ये भाई का भी रिक्शा है सूरत में, तो इन्हें भाड़े के बारे में ज़्यादा पता है। 10 रुपये लगता ही है, क्यों 2.5 किलोमीटर का? 10 रुपया लगता ही है ना यार। हाँ, तो नॉर्मल भाड़ा 10 रुपया है तो 10 रुपया लगता है। हाँ, तो 20 रुपये क्यों देने का? वो हमें बना रहा है क्योंकि हम बाहर गए ना, इसीलिए वो घूम के आ गया है, वापस यहाँ पे आया है। इस हिसाब से नहीं, हम रुकने नहीं देंगे हमें आपको। एक बार स्टेशन से 20 रुपये में हम जाके आएंगे। हाँ ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं रिक्शा मिलता है क्या मिलता है। यहाँ पे हो रही है बार्गेनिंग रिक्शा करने के लिए। चलो चलो अंदर, चलो चलो आगे बैठ सकते हैं क्या? ओके, फोटो नहीं खाएंगे ना? अरे फोटो नहीं, वे तो चलो मजा आएगा। उस टाइम बता तो जाना यार क्या क्या आ रहा है। अफ्रीका एवेन्यू, ये अफ्रीका जाता है भाई रास्ता, इधर से आप अफ्रीका जा सकते हो। ठीक है। अरे अंकल हंसो मत मेरे, सही में वीडियो में आप हंसते रहोगे यार। सही में अफ्रीका जाता है? मेरे को पूछो वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है? ये वाला रास्ता यूपी। ये अबे यार देखो यार अरविंद भाई, यार यूपी भेज रहा है तुम्हें। अरे भाई नहीं जाता, सही यूपी है वो, बात सही कह रहे हैं। अब बताओ मुझे, आप दिल्ली से हो ना? अरे यार ये हमारे पीछे जो बैठे वो भी यूपी से, फर्क ये है कि वो जौनपुर से, और आप कहाँ से हो? बिजनौर से। बिजनौर से हो क्या? और सुना है मैंने कि जौनपुर बहुत शिक्षित देश है। शिक्षित है बहुत जौनपुर, नहीं पता क्या? यार वो पीछे बैठे वाले भैया है ना, वो जौनपुर से हमें बता रहे थे ऐसा सा है। मतलब विश्वास नहीं हो रहा, हम दूसरा जौनपुर वाला ढूंढे तो विश्वास हो ना। क्या करें बोलो यार। और दिल्ली के लौंडो, आ गया हूँ मैं सरोजिनी नगर। लगता है मुझे यहाँ से मम्मी को वीडियो कॉल करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या 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 मिलता है। कुछ अच्छा मिलेगा तो उन्हें उनके लिए लेके जाऊंगा मैं, और नहीं लेके जाऊंगा तो गाली खाऊंगा। तो उनको वीडियो कॉल करना ज़रूरी है। और मेरे जो साथ में लोग आए थे वो शायद मेरे साथ में अंदर खो ना जाए, तो उनको पहले मिलते हैं। और नीरल किधर? चलो अंदर, चलो अंदर। पर यार ये सब फूड स्टेशन लग रहा है, अंदर ही है क्या सब? वो लल्ली मेरे को क्या बोला, तू मेट्रो पकड़ गया तो 10 मिनट में बहुत ज़्यादा बोलता है। कहाँ पे? करोल बाग में। यहाँ पे क्या बोल, हमें कुछ मालूम नहीं है। वो आ रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो। तो उसका एक फ्रेंड आ रहा है नीरल का, उसको हम यहाँ मिलेंगे, फिर वो हमें शायद अंदर घुमाएगा क्योंकि वो यहाँ का लोकल है। है ना बहुत सारे लोग बीच में खड़े होते हैं और आपको ऐसे कभी भी बुलाएंगे लेकिन जाने का नहीं, नहीं तो आपको चिपका ही डालेंगे कुछ ना कुछ चीज़ में। बहुत बार बचा
बहुत दूर चला गया था, फिर भी वो एक बंदा आया मेरे पास, मैं एक वॉच लेके बेच रहा है मुझे, कब से मुझे लेनी ही है क्योंकि मैं वॉच पहनता ही नहीं हूँ, मेरे पास पड़ी है घर पे लेकिन मैं पहनता नहीं। सो अभी मेरे पास कॉल आ गया है, जाना पड़ेगा मैडम, देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो लेता हूँ, नहीं तो फिर आज जाना पड़ेगा। किसी को अपने बाल बढ़ाने हो तो सरोजिनी नगर में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा बाल आपको, ठीक है ना? कितने वाले भाई? अलग अलग प्राइस है। हाँ थोड़ा बता दे यार एक बार। अच्छा मतलब ये वो है ना यार, वो ये आपका बीबीएन में लगता है। हाँ सही है, इसका प्राइस है 800। भाई निरल एक बार लगा ना तेरे सर पे। और ये है एक्सटेंशन। अच्छा ये एक्सटेंशन है, इसको ऐसे करके निकाल कर। ओ माय गॉड सही है भाई, तू जुल्फों पे कभी फिदा मत हो ना, पूछ लेना उसने कहाँ से ली थी जुल्फे। सही है। ये कितने वाला है? ये भाई साहब ये आपका आपको एक रेट पड़ेगा 1500 रुपये। 1500 रुपये में? अच्छा अच्छा, मतलब बाहर कितने का मिलता है? अगर आएंगे आपके तरफ से 50% और भी ऑफ होगा। ओके 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 ठीक है, तो यहाँ पे आना, ये यही दुकान है ना, साड़ी संसार इन सरोजिनी नगर, राइट? ओके थैंक यू भैया। तो निरल कैसा लगा तेरे को ये मार्केट? इंडिया में शायद ही ऐसा कोई मार्केट होगा, इतना बड़ा मार्केट और 40 रुपीज लोएस्ट प्राइस थी। ये मार्केट की सबसे खासियत बात मैं आपको बताता हूँ, 40 रुपीज लोएस्ट प्राइस। ओके सो फाइनली मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से, एंड अब आगे हमारा प्लान है अजमेर जाने का। अजमेर में मैं रुकने वाला हूँ कुछ घंटों के लिए, उसके बाद मैं आगे और निकल जाऊँगा, मतलब राजस्थान का कुछ टूर है, मैं और मेरा फ्रेंड अलग करने वाले हैं, ग्रुप में नहीं कर रहे हम लोग, ग्रुप वालों को हम सबको छोड़ के निकल जाएंगे। ये ट्रेन वहीं से जाएगी जिस ट्रेन में मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग रास्ते में उतर के हम लोग राजस्थान उतर जाएंगे और राजस्थान में हम लोग घूमेंगे, और राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें उसको दिखानी है मेरे फ्रेंड को, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं राजस्थान। ठंडी के अंदर जाने का अलग ही मज़ा है, इसीलिए मैं भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। जब रूट के अंदर आ ही रहा है तो सोचा कि एक दो दिन वहाँ पे भी रह के आऊँ। सो आपको दिखाऊँगा आगे, बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे राजस्थान में, मेरा राजस्थान है इसीलिए मैं मेरे तरीके से उसको चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन बताना मुझे कैसा लगा। ऐसे ब्लॉग्स आपको चाहिए आगे तो भी मुझे बताना, मुझे DM करना, मुझे बताना। और हाँ चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, आंसू जम जाते आंखों में बन जाते कांच।